पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक जो है वो भी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जोड़ दिया गया है। जाली अरस्तु जो आसन इकबाल साहब हैं वो मुसलसल ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का जो बुनियादी उनका हक है उसको छीनने के लिए रोज लंगोटा कस के मैदान में आ जाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी सियासत से आगाह नहीं है, ना वाकिफ हैं, उनको क्या पता कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है। ये ना सिर्फ उन ओवरसीज पाकिस्तानी की हुबल वतनी की तोहीन है जो बार बार जिस पे शक किया जाता है, और नून लीग जो है वो मसलसल ये तासर देती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना जो है वो सियासी तौर पे चूंकि उनकी मौत है तो वो हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी से ये हक छीना जाए। मैं जाली अरस्तु से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उस सियासी अमल के अंदर हिस्सेदार बनने के अहल नहीं है तो आपके जिले सुबहानी जो है वो लंदन बैठ के आपकी लगामे वहां से क्यों खींच रहे होते हैं, आपकी डोरियां जो है वो ओवरसीज में बैठ के वो क्यों हिला रहे होते हैं और आप उनके इशारों पे क्यों नाच रहे होते हैं। अगर ओवरसीज में बैठे किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हिस्सेदार बने, दूसरा जो है अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानी को हक नहीं मिलना चाहिए कि वो वोट दें या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ सके, तो ये डॉलर इस हक डॉलर जो है वो क्यों किस फार्मूले के तहत पाकिस्तान की सेनेट के मुअज्जज इदारे के रुकन बन जाते हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है आपकी ये इस बात की कासी करती है कि आपको सिर्फ इस बात का डर और खौफ है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वजीर आजम इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वजीर आजम इमरान खान के साथ उनके दिल धड़कते हैं, इसलिए वो हर हाल में वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामन जानते हुए उनकी ताकत बन के रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। वो डिजिटल रोशन पाकिस्तान के जरिए कीमती जरे मुबादला पाकिस्तान में भेज के पाकिस्तान की उखड़ी हुई सांसू वाली मईशत को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं और जिस मईशत को आप लागर छोड़ के बैरून मुल्क फरार हुए हुए हैं उस मईशत को ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत का सबूत देते हुए यहाँ रेमिटेंसेस भेज के अपने मुल्क को संवारने में मसरूफ अमल है। तो लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हक देना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वादा था जो वजीर आजम ने और पीटीआई ने पूरा किया है, उसके रास्ते में कोई नोहा कनी कोई आहोब का कोई मातम की साफ बिछाने वाले जो है उनकी कोई नहीं सुनेगा और ये इस हकूमत की कमिटमेंट है जिसको हम आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात जो है वो जनूबी पंजाब के हवाले से आपने देखा कि पहली दफा ये हुआ कि आपके बजट के अंदर 199 अरब रुपया यानी 189 बिलियन रुपीस जो है वो रिंग फेंस करके अलहदा एडीपी की किताब प्रिंट करके पंजाब हुकूमत ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की क्यादत में वो बजट जो है वो कौम के सामने रख दिया है। और उस बजट के अंदर जहां पे सूबा हमारा सरायकी वसेब जो है वो एक ख्वाब देखता था कि तरक्की का यकसा अमल जो है वो कैसे उन पसमानदा इलाकों तक पहुंचे, तो वजीर आला पंजाब की क्यादत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के जरिए और इस अलहदा बजट की रिंग फेंसिंग के जरिए हम उनके साथ जो होने वाला सुतेली माँ का सलूक था वो पीटीआई की हुकूमत ने
उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और जो उनके साथ दोहरे रवैये थे, दोहरे मेयार थे, उसको रोक दिया गया है। आखिर में चूंकि बजट चल रहा है, तो इस बजट के अंदर हमारी अपोजिशन जो है वो कोई अब तक कंक्रीट, कोई अवाम के फिलाफ बहबूद के साथ जुड़ी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी